टेंग पीछे होने लगता है तो फिर ना नामचुर ना उसके बिल्कुल उसको पकड़ लेते हैं, लेग्स पकड़ लेते हैं, वो ना उसको खींचता है और फिर ना उसको डीप किस करने लग जाता है। बहुत जो हार्श केस होती है, ऐसे नहीं कि वो ना वो करा, वो बहुत ज़्यादा हार्श केस कर रहा था, जिससे ना जो टेंग की ना आई से टीयर्स फॉल होने लगते हैं और फिर जो जिनका वो ना नीचे से अचानक से ना जो उसके ना पैंट्स उतार देता है और ना जिनकी इस सेक्शन से ना जो तैयार था वो फुली शो हो जाते और वो ना छटपटाने लगते अपने आप को बचाने के लिए और ना बट वो दोनों बहुत ज़्यादा टाइटली उसको पकड़ लेते हैं और ना उसको बिल्कुल हिलने की ना वो ही नहीं देते, स्पेस ही नहीं देते। तो फिर ना जो तैयार था उसके आई से ना टीयर्स रोल हो रहे थे, बट उससे ना उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, दोनों बस अपनी ना बॉडी की नीड के लिए ना उसको चाहते थे। तो फिर ना जो उनका जो जिन होता है वो अचानक से ना जब जिम की बॉडी की तरफ देखता है, मीन्स उसके ना सारे ना लोअर एरिया की तरफ, तो फिर ना वो और भी ज़्यादा अराउजल फील करता है और फिर ना एक ब्रिटिश मिक उसके ना फेस पे आ जाते हैं और कहते हैं ना वाह बेबी वाह तुम तो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, वो बोलते और फिर ना उसके ना इनर थाई को ना किस करना स्टार्ट कर देते और फिर ना जो टेंग होता वो जोर से चिल्लाता और फिर ना कहते हैं मुझे छोड़ दो तुम दोनों प्लीज़ मुझे छूट जाने दो, वो इस तरह करके ना बैक करने लगते, बट वो दोनों बिल्कुल भी वा अपनी जो रूटीन करना जो चीज़ कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं रखते और फिर उल्टा और भी ज़्यादा फास्ट हो जाते और जो जामजू था वो उसके लिप्स को छोड़ के ना नेक पे उन्हें बहुत सारे हिकीज बना चुका था और वो ना उसकी शर्ट को बिल्कुल एक ही रो में फाड़ देता है। तो फिर ना जो टेंग था वो तो और भी ज़्यादा रोने लगे था और वो ना उनसे दोनों से बैक कर रहा था और जो नामजू ना अचानक से उसको चुप कराने के लिए ना बिल्कुल ना खुद की ना फौरन पैंट को उतार के ना पैंट वे उसको भी उतार के साइड पे फेंक देता है और अब वो फुली नैकेड था और उसको देख के ना जो थी मतलब वो डर जाता है और जो नामजू रहता था वो एक स्पीकर था उसके डरे फेस को देख के और ना उसको जो ना जो तेंग था वो और भी ज़्यादा रोने लगे थे चिल्लाने लगे था। तो जो नामजू रहता है वो तो वैसे इस बार का ओनर था और वैसे भी वो जो रूम था वो ना साउंड प्रूफ था इसलिए कोई वहाँ आ भी नहीं पाता और अगर कोई आ भी जाता तो कोई भी नामजू का ना रोकता बिकॉज वो उसी का बार था। तो इस तरह से ना नामजू ना बिल्कुल उसके साथ मर्सी लेस हो जाता है और जो उसको ना बिल्कुल साइलेंट कराने के लिए ना उसके अंदर ना अपने माउथ को ना उसके माउथ के अंदर अपने पार्ट को एंटर कर देता है और जो टेंग होता है उसकी आइज वाइंटर हो जाती है, उसकी आइज से टीयर्स फॉल होने लगते हैं क्योंकि उसको ना बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे उसके ना कोई गले का ना चीर है और ना वो उसको बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा था और ना अच्छा जो ना वो कर रहा था जिन जो उसके साथ हरकतें कर रहा था बिकॉज वो उसकी ना जो प्राइवेट पार्ट को ना बहुत अजीब तरीके से ना वो कर रहा था उसके साथ ना बिहेव कर रहा था जिससे ना जो टेंग था उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तो फिर ना वो दोनों बिल्कुल ना नहीं छोड़ रहे थे उसको, बिल्कुल कोई मूवमेंट करने का ही टाइम नहीं दे रहे थे और जो टेंग तो बस उसकी आई से टीयर्स रोल ले रहे थे और ना जो टेंग तो वो ना वो अचानक से ना उसको खुद के ऊपर बहुत अशेम्ड फील होते बिकॉज जो जिन था वो ना उसको करने लगे था किस करने लगे था और ना उसका पार्ट अपना जिन के माउथ पे था पड़ा और ना वो ना उसके माउथ के अंदर रिलीज हो गए थे। तो उसको अपने ऊपर काफ़ी अशेम्ड फील हो रहा था कि ना वो कैसे इस चीज़ से ना फील हो सकता है, मीन्स वो ना हार्ड हो सकता है और उसके बाद ये ना वो कैसे ना रिलीज भी हो सकता है। तो उसको अपने ऊपर बहुत अशेम्ड फील हो रहा था और जो अचानक से उसको ना अपने फुल माउथ में ना बहुत ज़्यादा वार्म सा फील होता है तो फिर ना उसकी आई टाइटली ना बहुत अशेम्ड भी ना क्लोज हो जाती है और उसके ऊपर उसको खुद के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ना वो फील हो रहा था डिस्गस्टिंग फील हो रहा था बिकॉज उसके माउथ के अंदर इस टाइम ना अब सारा जो नाम जो था उसका सारा ना लिक्विड था। तो फिर ना जो नाम जो था वो ना अपने पार्ट को बिल्कुल तब तक नहीं निकालता जब तक ना टेंग के पास कोई और मौका ही ना बचे था चारा ही ना बचे उसको गलत करने के अलावा। तो फिर ना जो जैसे जो वो होते टेंग ना रोते सोते वो कर लेता है तो फिर ना वो दोनों स्प्रे करते हैं और उसके बाद फिर ना फौरन ही ना उसके अंदर जिन एंटर हो जाता है और ना जो इतनी जोर की चीख मारते ना
जो नान तेंगो तो इतने जोर की चीख मारता है और भी ज़्यादा टीयर्स निकलने लग जाते हैं, और जो जिंदा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जा रहा था, और जो उसका चेस्ट फुल बॉडी उसके ऊपर नीचे हो रही थी, और जो नाम जो था वो उसके बस ना चेस्ट को किस किए जाता जैसे उसकी चेस्ट में ना एडिट हो गया हो, और ना जो जिन होता है वो इस तरह ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ना टू राउंड्स ले लेता है, और ना वन आवर में ना टू राउंड्स लेता है, उसके बाद उसको ना बिल्कुल छोड़ देता है, और फिर ना उसके ना बिल्कुल अब उसके निपल्स पे आ जाता है वो, और जो टैंक वो बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह पड़ा था, उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिकॉज उसको पता था वो एनर्जी अपनी वेस्ट ही कर रहा है, और ना उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी थी, उसको अब ऐसे लगता है कि ना शायद ये ख़त्म हो गया, और उसके ऐसे ना टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जो पहले काफ़ी देर से निकले थे, बट अब और भी ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो जाते थे, फिर ना जो अचानक से उसको ना दोबारा से वही पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वो उसको ना हेल में पहुँचा रहे, और वो इस टाइम जो नाम जो था वो अब उसके अंदर एंटर हो गया था, और जो तेंग था वो उसको नहीं ले पा रहा था, बट जो नाम जो था तो उसको ज़बरदस्ती जगाए रखता है, मीन्स उसके फेस पर स्लैप करके ना उसको जगाए रखता है, और इस तरह ना वो भी उसके साथ ना थ्री राउंड्स ले लेता, और जो टैंक था वो बिल्कुल ना इस हालत में नहीं था कि वो और राउंड्स ले सके, और ना बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं, अपने ना ब्रीथ को कैच करने लगते हैं, उसी टाइम पे ना उसको वही पेन दोबारा से फील होने लग जाता है, बिल्कुल जो अब जिन था वो दोबारा से उसके अंदर एंटर हो गया था, इसी तरह ना वो फुल लाइट टैंक के साथ लेते हैं, टैंक ना नाम जो उनके राउंड्स के ना बिल्कुल बाद जब जिन दोबारा से थर्ड राउंड्स लेने लगा था तो उस टाइम पे ना वो अनकॉन्शियस हो गया था, बट उन्होंने उस उन दौरान ना उसकी बॉडी बिल्कुल नहीं छोड़ी थी, उसको ना बिल्कुल एक ना उसकी तरह ना बिल्कुल एनिमल की तरह यूज़ कर रहे थे।